बिग बॉस 15 के बाद करण कुंद्रा ने नए शो लॉकअप में एंट्री ली है। उनके चाहने वालों को इंतजार था कि कब वो पर्दे पर दिखाई देंगे। बिग बॉस के खत्म होने के उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश को तो मिल गया था, लेकिन फैंस की नजर करण पर ही थी। वहीं अब एक्टर को मोस्ट चर्चेड शो में देखा जाएगा। ऑल्ट बालाजी का नया शो लॉकअप इन दिनों और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। करण लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। वो सदस्यों पर लगातार अत्याचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, करण कुंद्रा रियलिटी शो लॉकअप बदमाश जेल अत्याचारी खेल के नए जेलर के तौर पर आए हैं। वहीं एक प्रोमो ऑल्ट बालाजी के अधिकारी अकाउंट पर शेयर किया गया था। इस प्रोमो में एक्टर को नए जेलर के रूप में दिखाया गया है। वीडियो की शुरुआत करण ने घोषणा करते हुए की, शराफत किस चिड़िया का नाम है, लगता है ये सब भूल गए हैं, याद दिलाने का वक्त आ गया है। जिसके बाद सभी प्रतियोगियों के चेहरे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इसके साथ ही पूरे वीडियो में एक्टर का फेस नहीं नजर आता है। जब वह बाद में कैमरे के सामने नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं आ रहा हूं क्वीन के बैडेस्ट जेल में इन सब को लाइन पे लाने, असली अत्याचारी खेल तो अब शुरू होगा। दरअसल शो लॉकअप की होस्ट कंगना रनौत हैं, जो सदस्यों की बैंड बजाते हुए नजर आ रही हैं। बता दें, लॉकअप में इस समय 14 प्रतियोगी हैं। निशा रावल, मुनव्वर फारूकी, पूनम पांडे, करणवीर बोहरा, चक्रपाणी, सिद्धार्थ शर्मा, अंजलि अरोड़ा, बबीता फोगाट, शिवम शर्मा, सारा खान, पायल रोहतगी, तहसीन पूनावाला और सायशा शिंदे। लॉकअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर और ऑल्ट बालाजी पर लाइव स्ट्रीम किया गया है और दर्शक प्रतियोगियों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स ने दावा किया है कि रविवार 27 फरवरी को रिलीज होने के 48 घंटों के भीतर ही ये शो 15 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया। कंगना रनौत ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि मैं शो को मिली प्रतिक्रिया से अभिभूत हूँ। ये एक अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ एक अलग शो है और दर्शकों को भरपूर प्यार देते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।